जवान शाहरुख खान से मोस्ट पॉपुलर हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी विच क्रॉस्ड 1000 करोड़ एट बॉक्स ऑफिस मेरे लौड़े पे। जी हाँ, मेरे लौड़े पे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मूवी इतने ह्यूज रिस्पॉन्स के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। साला मूवी में ह्यूज था क्या? मूवी की स्टोरी वेरी टिपिकल एंड प्रिडिक्टेबल। हीरो ने विलन की बजाई तो विलन हीरो की बजाता है, और फिर आखिर में हीरो विलन की बहुत अच्छे से बजाता है। यही टिपिकल सा प्रिडिक्टेबल सा टॉपिक ऑफ द स्टोरी जो हम फिल्मों में देखते आ रहे हैं। तो मूवी के ह्यूज रिस्पॉन्स को मूवी की स्टोरी जस्टिफाई नहीं करती है। मूवी की स्टोरी मामूली है, सीधी बात। बात करूँ मूवी के डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन की, तो मूवी का डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन ठीक ही ठाक है, क्योंकि मूवी में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मुझे चेक करके देखना पड़ा कि साला मूवी ख़त्म होने में अभी कितना टाइम बचा है, यानी कि मूवी की लेंथ मुझे फील हुई, इसलिए मुझे अंत तक एंगेज करके रख पाने में इसका डायरेक्शन कामयाब नहीं हो पाया। तो इस मामले में भी ये मूवी मेरे लौड़े पे। अब बात करूँ मूवी के सॉन्ग्स और बीजीएम की, तो मूवी के सॉन्ग्स और बीजीएम अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं उन्हें मन ही मन कई दिनों तक गुनगुनाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जानना है कि कैसे एक सही बीजीएम मूवी में जान डाल सकता है, सिंपल से सिंपल सीन को भी इंटरेस्टिंग टू वॉच बना सकता है, तो मैं आपको विक्रम मूवी देखने को कहूँगा। विक्रम मूवी एक ऐसी मूवी है जो अपने बीजीएम पर हमारा अलग से ध्यान खींचती है। इस मूवी का बीजीएम मुझे अभी तक याद है। तो इस तरह के याद रह जाने वाले अटेंशन सीकिंग बीजीएम जवान मूवी का मुझे नहीं लगा। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कब मुझे ये मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी और कब मेरा इंटरेस्ट हट गया। मूवी के शुरू में ट्रेन के इस हाईजैक को देखकर मुझे लगा कि पूरी मूवी इसी हाईजैक पर ही फोकस करने वाली है। शाहरुख खान का एक करेक्टर जो विलन होने वाला है, एक एक करके लोगों को मारता रहेगा और इसे रोकेगा शाहरुख खान का दूसरा करेक्टर जो हीरो होने वाला है। ये सोचकर ही मुझे ये मूवी इंटरेस्टिंग लगने लगी कि चलो मूवी काफ़ी सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने वाली। लेकिन भयंचित हुआ क्या कि इस ट्रेन के हाईजैक वाले सीन को 10-15 मिनट में ही निपटा दिया गया, और इस 10-15 मिनट में भी जो देखने को मिला वो प्रिडिक्टेबल था। शाहरुख खान ने जब इस बुरखा वाले औरत को टपकाया तो मैं तुरंत समझ गया कि औरत टपकी नहीं है बल्कि टपकने का नाटक कर रही है, ये बस इसके प्लान का हिस्सा है, और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। तो अब अभी बताइए, मूवी का वो पार्ट है जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, उसे इतना जल्दी और प्रिडिक्टेबल तरीके से ख़त्म कर दिया गया, तो हुआ ना ये मूवी गाली देने लायक। क्योंकि इसके बाद मूवी के अंदर जो होता है वो एक टिपिकल सा रिवेंज ड्रामा रोमांस है और कुछ नहीं। बात करूँ मूवी में एक्टर की परफॉर्मेंस की, तो मूवी में शाहरुख खान जैसा बड़ा और अनुभवी एक्टर है जो मूवी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो बाकी एक्टर हैं वो भी एक्सपीरियंसड ही हैं। तो मूवी में एक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, तो इसलिए इस ऑब्वियस पार्ट को मैं फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट नहीं समझना चाहूँगा, क्योंकि इन एक्टर को अच्छी परफॉर्मेंस देना अच्छे से आता है। लेकिन फिल्म के राइटर और डायरेक्टर को अच्छी कहानी लिखना और उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना शायद नहीं आता, या शायद आता है लेकिन ये लोग जानबूझ कर मामूली सी कहानी मामूली सा डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि अगर इतने में ही और एक बड़े एक्टर को कास्ट कर लेने से ही ऑडियंस थिएटर में खींचे चली आ रही है, तो फिर खाली पेली अपना दिमाग घिसने की क्या ही ज़रूरत है, राइट? और जवान मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फार कमाई की, 1000 करोड़ जैसे बड़े आंकड़े को पार कर लिया, जिसके लायक ये मूवी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने इस मूवी को इस लायक बनाया है वो वही लोग हैं जो थिएटर में पॉपकॉर्न खाकर टाइम पास करने और अपनी आइटम के साथ अपने आप को और अपनी सीट को गर्म करने आते हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऐसे नमूनों से मैं हाथ जोड़कर बल्कि इनके आगे झुककर विनती करना चाहूँगा कि थिएटर में पॉपकॉर्न खाने के लिए अपना टाइम या अपने आइटम को खाने के लिए मत आइए, इन कामों के लिए कोई और जगह चुन लीजिए, क्योंकि आपके चक्रों में हमें ऐसी ऐसी मामूली फिल्में देखने को मिल रही हैं, मिलती रहेंगी जब तक आप फिल्मों को उनकी औकात से ज़्यादा भाव देते रहेंगे। मुझे तो साला समझ नहीं आ रहा है कि जवान मूवी में लोगों को ऐसा क्या खास पसंद आया शाहरुख खान के अलावा। एक भी ऐसी चीज़ नहीं याद आ रही है जिस पर मैं मूवी की अलग से जमकर तारीफ कर सकूं। याद आ रहा है तो बस मूवी का 1000 करोड़ का रिकॉर्ड, जिसके चक्कर में ही मैं इस मूवी को देखकर फंस गया। मुझे लगा कि मूवी 1000 करोड़ जैसे बड़े आंकड़े को पार की है तो मूवी में कुछ न कुछ दमदार होगा, इसलिए मैं बहुत ही उम्मीद के साथ जवान मूवी को देखने का फैसला किया कि पहले जवान मूवी देखेंगे फिर पठान मूवी भी देखेंगे, क्योंकि पठान मूवी ने भी 1000 करोड़ पार किया है। लेकिन जवान मूवी देखकर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उससे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पठान मूवी देखूं।
हो सकता है पठान मूवी अच्छी हो, लेकिन जवान मूवी ने मेरा जिस तरह से काटा उस तरह से मैं फिर से कटवाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए मैं पठान मूवी को देखना भूल गया। लेकिन मैंने खबर सुनी है कि पठान 2 भी आ रही है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि पठान देख लेता हूँ। अगर अच्छी होगी तो इसकी तारीफ करेंगे और नहीं अच्छी होगी तो इसकी भी बिचिंग करेंगे। खैर, जवान मूवी ने मेरा काटा, इसलिए जवान मूवी मेरे कटे हुए उस लौड़े पे। और हाँ, इस मूवी का डायरेक्टर एटली जी, ये भाई साहब कॉमेडी ड्रामा रोमांस दिखाने में मुझे वेरी वेरी पुअर लगे। जवान मूवी में हमें जो रोमांस देखने को मिला शाहरुख खान और दीपिका के बीच में, शाहरुख खान और एक और जो मोहतरमा हैं, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वही टिपिकल सा रोमांस जो हमने कईयों फिल्मों में देख रखा है। और हाल ही में मैंने एटली जी की एक और मूवी देखी, थेरी, क्योंकि ये उस मूवी का हिंदी रीमेक बना रहे हैं वरुण धवन को लेकर, जिसका टीजर आया था, और उस टीजर को देखकर ही मैंने थेरी मूवी को देखने का फैसला किया कि कौन वेट करेगा रीमेक का, ओरिजिनल मूवी ही देख लेते हैं। और बताना चाहूँगा कि थेरी मूवी का जो शुरू का 40-50 मिनट था, या यूँ कहूँ जो फर्स्ट हाफ था, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। मैं सोचने लगा कि यार इस मूवी का लोग रीमेक बना रहे हैं। मूवी में जो कॉमेडी ड्रामा रोमांस है, खास करके जो रोमांस वाला पार्ट है, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में दिखाया जा रहा था। जैसे ही हीरो और हीरोइन की मुलाकात हुई, फिर सब कुछ एकदम फटाफट, तुरंत प्यार हो रहा है, तुरंत शादी हो रही, तुरंत बच्चे हो रहे हैं, मतलब कुछ भी यार। इस तरह का रोमांस एक सीरियस मैच्योर ऑडियंस को पसंद नहीं आ सकता। ये उन्हें पसंद आएगा जो स्कूल के बच्चे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उन बच्चों को ये मूवी पसंद आ सकती है, मेरे जैसे ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये इतना ख़राब लगा कि मैंने इस मूवी को देखना ही छोड़ दिया। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि मूवी में कुछ तो दमदार होगा, तभी तो इस मूवी का रीमेक बन रहा है। इसलिए मैंने 4-5 दिन के बाद फिर से इस मूवी को देखना कंटिन्यू किया, और कहना पड़ेगा कि जो मूवी का जो सेकेंड हाफ है, जो सीरियस पार्ट है, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो भी इतना कोई दमदार शानदार नहीं था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा था कि मैंने मूवी को अंत तक देखकर ख़त्म कर डाला। खैर, मैं थेरी मूवी की रीमेक के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। ओवरऑल मुझे ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई। वेल दोस्तों, ये था जवान मूवी पर मेरा गाली गलौज। जो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपका भी गाली देने का मन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो करना है वो कीजिए। वेल, इसी के साथ ये फिल्मी मानूस इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करता है।